नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल बिहार हेल्प पे और मैं हूं अजीत। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के बाद यानी कि सबमिट करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। यानी कि दोस्तों अगर आपने आवेदन कर दिया किसी भी साल का है और आपने प्रिंट आउट निकाल लिया, उसके बाद आखिर आपको क्या करना है, क्या आपको डॉक्यूमेंट सब जो है कॉलेज में जमा करना है या नहीं करना है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ में दोस्तों बताएंगे कि अगर जमा करना होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना होगा, किस तरीके से जमा होगा। और दोस्तों जो भी जानकारी हम आपको बताएंगे वो आपको हम जो है ऑफिशियली जो कोऑर्डिनेटर से बात हुआ है उसके थ्रू हम आपको बताने वाले हैं। और साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई भी बात अगर आपको जानकारी चाहिए यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से, तो आप अपने जिला के कोऑर्डिनेटर का नंबर कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उस पर आप जो है सारा डिस्कस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो वो भी नंबर निकालना बताएंगे। और वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपने आवेदन कर लिया है तो आपको जो है आगे क्या करना चाहिए ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मेरा वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम समझते हैं कि अपने जिला का कोऑर्डिनेटर यानी कि अपने जिला का जो हेल्प डेस्क है उसका नंबर कैसे निकालेंगे, फिर आगे हम समझेंगे कि आपको क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है या नहीं करना है, उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा हमारे वेबसाइट का यानी कि इस पोस्ट का, इस पोस्ट पर आ जाइएगा। यहाँ पर आपको जो है स्कॉलरशिप से जुड़ी सभी जानकारी दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा आपको सीधे जो है नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको एक इंपोर्टेड लिंक मिलता है सबसे नीचे आने पे। तो इस सबसे नीचे जैसे आएंगे तो इंपोर्टेड लिंक में यहाँ पे देख लीजिए एक लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, ऑल डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कॉन्टैक्ट नंबर देख सकते हैं लिखा हुआ है, इस पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है जो भी हेल्प डेस्क नंबर होता है अपने ज़िला का, यहाँ पे 3800 यानी कि बिहार में जितना भी ज़िला है 3800 सबका नंबर आ जाएगा। इस नंबर पे आपको जो है सबसे पहले कोऑर्डिनेटर का नाम है और मोबाइल नंबर है। इस पे दोस्तों आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कोई भी इशू होता है, मतलब अपने ज़िला के बारे में स्कॉलरशिप से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इससे बात कर सकते हैं। दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर आपको जमा करना है या नहीं करना है और क्या क्या करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए डैशबोर्ड में हम लॉगिन कर चुके हैं, हमारे वेबसाइट पर आपको लिंक मिल जाएगा लॉगिन का, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है एप्लीकेशन स्टेटस का, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन स्टेटस ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको नीचे स्क्रॉल करना है, स्टेटस में जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो एप्लीकेशन स्टेटस है उसमें इंस्टीट्यूट का जो है स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। यानी कि दोस्तों आपको जो है जब तक अपने कॉलेज में आप जो है डॉक्यूमेंट जमा नहीं करेंगे तब तक आपका स्टेटस ये जो है क्लियर अप्रूव नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको कॉलेज में 100% ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जमा करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अब बात कर ले कि जमा क्यों करना होगा, तो नहीं जमा कीजिएगा तो आपका कॉलेज वेरिफिकेशन नहीं करेगा। लेकिन होता है कोई कोई कॉलेज नहीं भी जमा लेता है, लेकिन आपको कॉलेज में जाके पता करना है कि जमा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जैसे वहाँ पे जमा लेना शुरू कर दे, बहुत सारे तो लेना शुरू कर दिए हैं, तो आपको जो है जमा करना है, क्या क्या करना है आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट आउट करा लेना है यानी कि आवेदन को, और इसको प्रिंट आउट कराने के बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है सब यहाँ पे लिखा हुआ है, 10th का मार्कशीट हो, उसके बाद जाति आय निवास है, बोनाफाइड है और फी रिसिप्ट। सबको दोस्तों आपको क्या करना है, फोटो स्टेट करा के सेल्फ अटेस्टेड यानी कि सिग्नेचर करके और फिर दोस्तों स्टेपलर मार के अपने कॉलेज में जमा करना है, तभी दोस्तों आपका जो है वेरिफिकेशन कम्प्लीट होगा। और वेरिफिकेशन कम्प्लीट होने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ये सारा जो भी कम्युनिटी स्टेटस है ये सारा आपका वेरिफिकेशन जो है जमा करने के बाद ही होगा, क्योंकि कॉलेज को कैसे पता है कि आप जो है सही स्टूडेंट है या गलत है, तो वहां पे कॉलेज द्वारा वेरिफिकेशन होगा। हो सकता है कोई कोई कॉलेज बिना जमा के भी अप्रूवल कर दे, लेकिन आपको कॉलेज में पता करके जमा करना है ताकि आपका जो है स्कॉलरशिप का जो स्टेटस है आगे जो है बढ़ पाए, अप्रूवल हो पाए। तो यही थी जानकारी दोस्तों, आगे हम आपको बता दें कोई भी डाउट्स है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, जैसे डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है आवेदन वगैरह का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और आप चाहते हैं सुधार करने का वीडियो देखना तो आप जो है नीचे कमेंट कीजिएगा, इस पर भी हम प्रॉपर वीडियो बना दें।